अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को अपनी ये फ़र्स्ट टाइमर जो क्रॉस करवाई थी बकरी मैंने, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और इसकी मैं आप लोगों को अपडेट भी देता हूँ। अब इसकी पोजीशन है और मतलब कहाँ तक, मतलब इसकी निशानियाँ क्या क्या ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। तकरीबन जो है ये 4 महीने की जो है ना अभी प्रेगनेंट कहलाई जा सकती है। मतलब कि 4 महीने में कुछ दिन कम है, मैं इसकी डेट जो है ना देख के स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, फिर आप खुद कैलकुलेट करके उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितने महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। तकरीबन 4 महीने में कुछ दिन कम है, मैंने हिसाब लगाया था तो 4 महीने में कुछ दिन कम थे, फिर भी मैं कन्फर्म जो है ना डेट इसकी डाल दूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो मैं अभी आप लोगों को इसकी कुछ निशानियाँ बताता हूँ, जो मेन निशानियाँ जो ज़ाहिर हुई हैं। तो एक भाई ने भी कहा था कि यार इसकी वीडियो अपलोड करें कि मतलब कहाँ तक ये मतलब इसकी अपडेट दें, क्या अपडेट है अभी। तो मैं आपको इसकी अपडेट देता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसकी क्या पोजीशन हो गई है, कब इसकी डिलीवरी हो रही है, क्या सीन है। तो मैं आपको इसको खड़ा करता हूँ और आपको मैं इसकी कुछ निशानियाँ बताता हूँ। जो मेरी जो अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, जो बकरी जो मेरी बड़ी वाली जो प्रेग्नेंट थी, उसकी जो आवानी की सोजिश थी या मैस्टेटिक जो था उसे, तो उसकी भी मैंने वीडियो डाली थी, इंजेक्शन बताई थी। तो इंजेक्शन से भी थोड़ा फ़र्क थोड़ा बहुत आया, तो उसके बाद मैंने जो है ना दोबारा डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने एक सिरप बताया, तो उसकी भी फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ उसकी वीडियो और उसकी भी मैं आपको जो है ना पोजीशन या रिज़ल्ट बताऊँगा कि क्या उसके आवाने की पोजीशन है और उसकी प्रेगनेंसी की जो है ना क्या पोजीशन है। तो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसकी मैं आप लोगों को कुछ निशानियाँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसके पेट से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, आप इसके पेट की पोजीशन माशाल्लाह से देख सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह कुछ खाया भी अभी नहीं है तो आप देख सकते हैं। दूसरा, आप सबसे पहले इसके झोल देखेंगे, यहाँ पे आप देखना ये गैप बनना शुरू हो जाएगा, तो ये गैप माशाल्लाह से इसमें आ रहा है। सबसे बड़ी मेन जो इम्पोर्टेंट निशानी है ना, वो आप इसका चड्डा देखें, पहली वाली वीडियो का भी चड्डा देखें और आप वाली वीडियो का भी चड्डा देखें। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देख रहे हैं गुठली, ये चीज़ जो है ना आपकी बकरी में होनी चाहिए, ये चीज़। निपलों का साइज़ देखें आप माशाल्लाह से, ये देखें आप, ये इसके थनों का साइज़ देखें आप। यह अब आहिस्ते आहिस्ते जब नज़दीक आएगी तो इसमें अपना हवाना जो है ना ये खुद बढ़ाती भी रहेगी और थन भी अपने बढ़ती रहेगी। ये आप देख सकते हैं, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका चड्डा है माशाल्लाह से। एक निशानी चड्डा हो गया, एक ये चीज़ हो गई, यहाँ पे गैप आना, दूसरा पेट का आप साइज़ देखें। अच्छा, जब ये आहिस्ते आहिस्ते और मतलब करीब आने लगी ना तो ये पेट थोड़ा इसका नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो फिर आप समझ लेंगे बिल्कुल तैयारी पर भी आ गई है। ये इसकी जो कुछ निशानियाँ हैं, ये मैंने कहा सोचा कि आपको वो भी बता दूँ ताकि आपके पास भी अगर फर्स्ट टाइमर कोई प्रेगनेंट है तो आपको अंदाज़ा हो जाए। बाकी हर ब्रीड एक अलग नस्ल की होती है तो हर ब्रीड का जो है ना एक अलग मतलब हिसाब होता है, चट्टे का साइज़ बढ़ाने का एक अलग हिसाब होता है, तो हर ब्रीड की एक अलग पोजीशन होती है। तो इससे आप अंदाज़ा ये है कि अपनी बकरी का भी लगा सकते हैं और काफ़ी मतलब आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं, और ये अभी तक खीरी है, अभी तक 2 दांत नहीं हुई है। ये वही पट है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी क्रॉस की, भी बताया था कि यार 7 से 8 महीने में बकरी क्रॉस होती है, यानी दूध पीने वाली पट है, तो ये ब्रीड के ऊपर होता है। तो ये माशा अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गई थी, मैंने आपको चड्डा और इसकी निशानियाँ भी बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।